एक्स मिलिट्री मैन से मारपीट करने वाला ऋतुराज चतुर्वेदी, भाजपा नेता भाजपा से निष्कासित। भाजपा जिला अध्यक्ष अजय सिंह ने मीडिया में पत्र जारी किया। एक्स मिलिट्री मैन से मारपीट करने वाला ऋतुराज चतुर्वेदी, भाजपा नेता भाजपा से निष्कासित। भाजपा जिला अध्यक्ष अजय सिंह ने मीडिया में पत्र जारी किया। पिछले दिनों एक्स मिलिट्री मैन के साथ मारपीट करने वाला ऋतुराज चतुर्वेदी, भाजपा नेता, मंडल अध्यक्ष युवा मोर्चा दीनदयाल मंडल, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष अजय सिंह ने किया निष्कासित। मीडिया को पत्र जारी करते हुए भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष अजय सिंह ने साफ तौर से लिखा है, सोशल मीडिया और कुछ न्यूज चैनलों में ऋतुराज चतुर्वेदी, मंडल अध्यक्ष युवा मोर्चा दीनदयाल मंडल के द्वारा एक दुकान में मारपीट और तोड़फोड़ की गई। यह एक निंदनीय घटना है, पार्टी अनुशासन एवं गरिमा के प्रतिकूल है। इस घटना की वजह से पार्टी की छवि धूमिल हुई है। इनका आचरण पार्टी के अनुकूल नहीं है। जिला अध्यक्ष अजय सिंह की अनुमति से इन्हें पार्टी से निष्कासित किया जाता है। इस बाबत का पत्र भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष ने जारी किया है। माना जा सकता है अजय सिंह के इस फैसले के बाद भारतीय जनता पार्टी के इन लोगों पर लगाम लगेगी जो पार्टी को धूमिल करने का गाहे बगाहे काम किया करते। पिछले दिनों तीन लोगों ने मिलकर नाई की एक दुकान पर जमकर मारपीट की, जबकि दुकानदार एक्स मिलिट्री मैन था। माना जा सकता है एक्स मिलिट्री मैन के साथ मारपीट की घटना को भाजपा ने गंभीरता से लिया, जिसके चलते ऋतुराज चतुर्वेदी को भाजपा से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। हम आपको बता दें, रीवा के अमहिया थाने के ठीक पीछे ये मारपीट की घटना का वीडियो वायरल हुआ है। माना जा सकता है अमहिया थाने के पास जिस तरीके से ये वारदात हुई, उसकी जिस चौतरफा निंदा हो रही है, जिसके चलते युवा नेता को भाजपा से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। पिछले दिनों रीवा सहित प्रदेश और देश में भाजपा नेता का यह वीडियो काफी सुर्खियां बटोर रहा था, जिसके चलते आम जनता पर गलत मैसेज आ रहा था, शायद भाजपा को कुछ ऐसा लगा हो। तभी उन्होंने बगैर देर किए यह कदम उठाया। हालांकि रिटायर्ड फौजी दिनेश मिश्रा और उनके कर्मचारियों पर दुकान के अंदर घुसकर की गई मारपीट की घटना को जिसने भी सुना निंदनीय माना था। पुलिस से भी मामला दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है। अब देखना है इस मामले में आगे क्या होता है। पुलिस के अगले कदम का रीवा की जनता को, तमाम लोगों को इस बात का इंतजार रहेगा, पुलिस का अगला कदम क्या होता है। हमारी नजर इस मामले पर बनी रहेगी। जो भी ताजा घटनाक्रम होगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल यह कहा जा सकता है सोशल मीडिया में भाजपा नेता का वीडियो वायरल होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। माना जा सकता है भारतीय जनता पार्टी के ऋतुराज चतुर्वेदी, मंडल अध्यक्ष युवा मोर्चा दीनदयाल मंडल के द्वारा एक नाई की दुकान में मारपीट और तोड़फोड़ का वीडियो वायरल होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष का यह कदम पार्टी में अनुशासन एवं गरिमा के प्रतिकूल नहीं था, जिसकी वजह से उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया। पार्टी की छवि धूमिल हुई। इनका आचरण पार्टी के अनुकूल नहीं है। पत्र में कुछ इस तरीके की भाषा लिखी गई थी जिला अध्यक्ष के द्वारा। फिलहाल रीवा शहर की जनता सहित उस व्यक्ति को भी, उस एक्स मिलिट्री मैन को भी इंतजार है। वह यह चाहता है कि उसे न्याय मिले। उसके साथ उसकी दुकान में जिसने भी मारपीट की है, तोड़फोड़ की है, उस पर पुलिस उचित कार्रवाई करे। हमारी नजर भी लगातार इस मामले तक बनी रहेगी।